this experience is going to be different. इसके बारे में मैंने अभी तक घर पे भी नहीं बताया है, तो चलो शुरू से बताता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग। तो पिछले व्लॉग में हम गए थे स्कूबा डाइव की ट्रेनिंग के लिए और उसके नेक्स्ट डे हमारा स्कूबा डाइव का सेशन था। आज हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, अभी हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। सुबह सुबह हम चलान कटवा के पहुंच गए पोर्ट पे। जी हाँ, चलान कट गया क्योंकि हमें लगा कि यार मॉर्निंग में कौन ही होगा बाहर सड़कों पे। मैं हेलमेट लेके आया था, भाई लोग दूसरे भी लेके आए बट पहने भी नहीं थे, और एक जने के पास हेलमेट नहीं था तो भाई पुलिस पकड़ लिया, चलान कट गया। ओके, दिस इज अ बोर्ड जिसके अंदर हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं टू द डाइविंग स्पॉट। हाय मॉर्निंग। सो स्कूबा स्टैंड्स फॉर सेल्फ कंटेन्ड अंडरवाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। वो खुद में एक वर्ड है बट शॉर्ट फॉर्म है। वेट, तुम सोच रहे होंगे कि यार ये स्कूबा डाइव का जो इवेंट हुआ उससे क्या लेना देना है। देखो यार, जो चुल होती है ना वो कहीं भी लग सकती है, और मुझे वहाँ लगी तो है, इसका एक रिश्ता है। ठीक है, बताता हूँ। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऋतिक रोशन की तरह डरे हुए हम भी पहुँच जाते हैं हमारे स्कूबा डाइविंग स्पॉट पे जिसका नाम है टर्टल बीच। तो ये है हमारी बोट, बहुत छोटी सी बोट है ये। देखो भाई, वॉशरूम कहाँ है? कहाँ घुसूंगा इसमें मैं? ओ भाई क्या बात है, अरे जा क्या दे भाई, ये भी होता है, बंद कर दो उसको। हाँ। अब जैसे जैसे मेरी टर्न नजदीक आ रही थी मैं थोड़ा नर्वस तो हुआ, लेकिन करना जरूरी था। एंड वाव, इट वाज मैजिकल। How are you feeling? Oh my God, भाई क्या कर लिया है? Like, epic. This is very different for me. I come from Rajasthan, इतने पानी में, and I was scared. कभी ocean में मैं नहीं तैरा हूँ. आज मैं एक बार पहले मैं कूदा, was very scared. थोड़ा काम हुआ, then we did the dive. And oh my God, different world, beautiful. तो डाइव के बाद जब हम वापस पोर्ट की तरफ जा रहे थे तब मेरे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना ऐसी एक बोट करके शाम के टाइम सनसेट देखने के लिए ओशन में जाया जाए। सब कर करा के तीनों लौंडे आ गए हैं फिर से रूम पे, हो गए एसी एकदम बराबर सेट। अब भाई बढ़िया नैप। लौंडा गुड नाइट, गुड डे, नाइट, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, हमने प्रॉपर रेस्ट किया आफ्टर द स्कूबा, नाउ वी आर गोइंग टू राधानगर फॉर सनसेट। तो शाम को जब हम राधानगर बीच घूमने गए तब मैंने ये आइडिया अपने दोस्तों के साथ शेयर किया एंड दे ऑल गॉट एक्साइटेड। तो हमने सोचा चलो इसको प्लान करते हैं। सेट डोसा, सांबर चटनी, राइस सैंडविच, देयर आर टू ऑप्शंस, प्राइवेट और गवर्नमेंट। दी गवर्नमेंट की है, प्राइवेट में कुछ ऑप्शंस है दूसरे जिसमें हम जा रहे हैं फॉर नॉटिका। तो नेक्स्ट डे हमारी बोट होती है हैवलॉक से नील आइलैंड के लिए। ओके, वी हैव फाइनली अराइव्ड इन नील। मेक सेंस व्हाई इट्स कॉल्ड नील, नीचे पूरी डेप्थ तक दिख रहा है अंदर। ओह माय गॉड, नील आइलैंड पे पहुंचते ही हम जाते हैं होटल चेक इन के लिए। ये क्या है भाई, हंसों का जोड़ा, हनीमून सूट दे दिया क्या? तो अब नील आइलैंड पहुंचते ही हमने राइड तो फिक्स कर ली थी कि यार शाम को जाएंगे हम सनसेट देखने, लेकिन तब तक हम पहुंचते हैं भरतपुर बीच पे जहां पर हम करते हैं बॉटम ग्लास बोटिंग। दिस इज द ग्लास, ग्लास बॉटम। अपेरेंटली एक्चुअली यू कैन अवॉइड दैट बोटिंग अगर तुमने स्कूबा डाइव कर रखी है तो, इट्स नॉट रियली दैट वर्थ इट। गोइंग फॉर अ सनसेट राइड। तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, थोड़ा दूर जाएंगे। इट्स द टाइम फॉर द सनसेट एंड हमारी जो बोट है वो आ जाती है। गोस्ट राइडर पे चढ़ने वाले हैं तीन लौंडे, एकदम ही ओपन छोटी सी बोट है एंड दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो भरतपुर बीच से हम निकलते हैं सनसेट देखने के लिए एंड शाम होते होते ओशन थोड़ा चॉपी हो रहा है। भाई अलग ही वेव आ रही है भयंकर। हम एक जगह पहुंचते हैं। ओह माय गॉड, रियली लव्ड दैट प्लेस। ये जगह बहुत इनसेन दिख रही थी बट देन दिस हैपेंड। गाइस आर वी तो आए गुड हियर। अबे अबे भाई, हां इट्स कमिंग। ओह माय गॉड, कमिंग। आर यू श्योर? कुछ नहीं होगा।
तो बेसिकली वहाँ पर तीन वेव्स आई थी, उसमें जो पहली वेव थी वो एक्चुअली हमारे बोट के आगे ब्रेक हुई थी, तो हमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। उसके जस्ट बाद एक दूसरी वेव आती है एंड वो हमारी बोट से थोड़ा सा पहले ही ब्रेक होती है, सो उससे थोड़ा बहुत पानी अंदर आता है एंड हमारी बोट काफ़ी जंप करती है। नाउ द थर्ड वन वॉज द डेडलीएस्ट वन। आई रिमेंबर कि बोट लिटरली यहाँ से इतनी ऊपर हो गई, मुझे लिटरली लगा कि आज कोई तो गया है, मतलब इतने रफ जंप के अंदर कोई कैसे बच सकता है, मतलब कोई तो उस एज पे होगा जो शायद घिरा होगा। बट फॉर्चुनेटली ऊपर वाली कृपा मान लो या फिर कुछ भी कह लो यार, बट फॉर्चुनेटली कोई भी ओशन में नहीं गिरा। मेनली जो है पानी पूरा बोट के अंदर भर गया था, आधी बोट में पानी था और आधे में हम लोग बैठे, ठीक है। ट्रस्ट मी आई डोंट नो हाउ, लेकिन कुछ मिनट तक वेव नहीं बनी पीछे, अगर एक और वेव आ जाती ना लिटरली हम पानी में होते एंड वी डोंट नो कि हाउ टू गो बैक, मतलब क्या होता आई डोंट नो। एंकल टाइम पे निकाल लिया, वी स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स द भरतपुर बीच अगेन एंड सम हाउ बोट वॉज फाइन। अब क्योंकि मैंने पहले तुम बताया था कि हम लोग करीब 25-30 मिनट दूर गए थे भरतपुर बीच से, तो वापस आने में भी करीब करीब रफली उतना ही टाइम लगा। हमें क्या है ना कि बोट पे एक डब्बा मिल गया, तो उस डब्बे की हेल्प से हमने काफ़ी सारा पानी वापस बाहर निकाल दिया बोट से एंड बोट थोड़ी बेटर हो गई, मतलब क्योंकि पहले लोड काफ़ी ज़्यादा था, हम मतलब लिटरली जो बोट है ना वो हल्की सी पानी के अंदर थी। अब ये जब इवेंट हुआ उसके बाद मैंने शूट करना बंद कर दिया था, क्योंकि ऑफकोर्स यार सिचुएशन ही ऐसी थी। लिटरली एट वन पॉइंट वी ऑल थॉट कि भाई आज तो गए। सो दिस वॉज वन ऑफ दोज डेज जो मैं हमेशा याद रखूँगा, हमेशा दिमाग में रहेगा, क्योंकि यार वी एक्चुअली थॉट कि यार शायद आज नहीं बचेंगे। एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। अगर उस दिन ओशियन काफ़ी काम होता तो हमारा शायद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता, हम जाते मतलब यू नो अच्छे शॉट्स आते, बहुत बढ़िया व्लॉग बनता एंड ऑल। बट अब ऐसा हो गया राइट, ओशियन चॉपी हो गया, अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। इससे मुझे डेफिनेटली ये सीखने को मिलता है कि यार इवनिंग के टाइम अवॉइड गोइंग इन टू ओपन सी या फिर ओशियन में इन जनरल, अनटिल और अनलेस यू आर ऑन अ बिग और ह्यूज शिप, जिसके लिए ये वेव मैटर ही नहीं करती। क्या कोई बात नहीं, मिस हैपनिंग होती रहती है। तो अगले दिन हम उठ के जाते हैं एक बीच पे, इसका नाम है सीतापुर बीच। यो गुड मॉर्निंग, तो वी मेड इट टू सीतापुर बीच, ये है सनराइज बीच नील का। या व्हाट्स अप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वहां पे अपेरेंटली एक केव है, लुक एट दिस, लुक्स लाइक ग्रैन स्टोन एज, मतलब भाई अगर स्टोन एज में तो यहां रहता होगा। जस्ट वेक अप टू दिस व्यू। तो सीतापुर बीच घूमने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी होटल चेकआउट करने के लिए एंड वहां से वी टेक द बोट सेइंग गुड बाय टू नेहरू एंड उस दिन हम पहुंचते हैं पोर्ट ब्लेयर वापस। देखो होटल तो जा रहे थे बट वी गॉट आवर प्रायोरिटीज, तो आ गए हैं पानी पूरी खाने। मेड इट टू द होटल रूम, दैट्स द रूम, नॉट रियली दैट मच टायर्ड टू बी ऑनेस्ट, बट हमें टाइम पे सोना पड़ा क्योंकि हम कल सुबह नहीं आज रात को ही कहते उसको, मैं 3:30 को रात मानता हूँ, ठीक है। तो 3:30 हमें निकलना है फॉर द नेक्स्ट प्लेस, वो सब मैं तुम्हें कल बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, अभी मैं थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम करता हूँ, फिर बढ़िया सोता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। सही हो।